छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ सारंगढ़ जिले का 23 साल का एक लड़का इन दिनों खूब चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये लड़का पेशे से बढ़ई है, मगर इसकी अमीरी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। चंद महीने पहले ही अमीर बना ये लड़का, कुछ ही वक्त में BMW, मर्सिडीज, थार जैसी महंगी गाड़ियों में घूमने लगा, महलों जैसा घर बना लिया और जब तब हवाई यात्राएं करने लगा। इसकी रईसी के चलते इससे बड़ी उम्र के लोग भी इसे शिवा भाई कहकर बुलाते हैं। बताया जा रहा है कि महज साल भर में शिवा 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आसामी बन बैठा है। अब सवाल उठता है कि क्या मेहनत और खून पसीने की कमाई से इतना सब कुछ कमाया जा सकता है? क्या यह संभव है? जाहिर है कुछ तो और बात होगी। शिवा की रईसी आपने सोशल मीडिया पर भी देखी होगी क्योंकि इसके खूब वीडियोज और फोटोज वायरल हो रहे हैं, लेकिन हम आपको इससे आगे की कहानी बता रहे हैं। द सूत्र के रायपुर ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी ने छत्तीसगढ़ के रायकोना में रहने वाले शिवा साहू से जानी उसकी रईसी की कहानी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तस्वीर में नजर आ रहा ये शख्स ना तो कोई नेता है, ना ही कोई अभिनेता, ना ही कोई बड़ा उद्योगपति और ना ही किसी धनपति की औलाद। फिर भी इसके ठाट बाट के चर्चे ऐसे हैं कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी शर्मा जाए। और इसी ठाट बाट के चलते छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा गांव रायकोना इन दिनों कुबेर धाम बना हुआ है, क्योंकि यहां रहने वाले 23 साल के शिवा साहू नाम के एक लड़के पर कुबेर देवता की जमकर कृपा बरस रही है। ये लड़का दर्जन भर मर्सिडीज और BMW जैसी गाड़ियों का काफिला लेकर निकलता है तो ऐसा लगता है मानो कोई बड़ा राजनेता या उद्योगपति गुजर रहा। इसके पास आलीशान घर है और हवाई यात्राओं और घूमने फिरने का ये बेहद शौकीन भी है। इसकी रईसी के जलवे आपने भी सोशल मीडिया समेत बाकी माध्यमों पर खूब देखे सुने होंगे, लेकिन पहली बार दसूत्र ने शिवा से ऑफ स्क्रीन बातचीत की। शिवा ने दसूत्र से बताया कि उसके पास सिर्फ 2 गाड़ियां हैं और वो भी उसके पिता के नाम पर कर्ज से ली हुई हैं। बाकी सभी गाड़ियां दोस्तों की हैं और कोई भी लग्जरी गाड़ी उसके नाम पर नहीं। वो और उसके पिता बढ़ई यानी कारपेंटर का काम करते हैं। उनके पास कुल जमा 10 एकड़ जमीन है जिस पर उनका परिवार खेती करता है और यही उनके जीवन यापन का माध्यम है। मगर ये बात सुनकर आसानी से भरोसा कर पाना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि इतना सब कुछ एक इंसान पूरी जिंदगी मेहनत और खून पसीने की कमाई से इतनी जल्दी तो नहीं बना सकता। फिर सवाल उठता है कि भला चंद महीनों में ही ये चमत्कार कैसे हो गया? कैसे 23 साल का एक मामूली सा बढ़ई इतना अमीर हो गया? सूत्र ने शिवा की कमाई की जानकारियां खंगाली। कहा जा रहा है कि वो एक चिटफंड कंपनी चलाता है और जमा रकम पर लोगों को 30% ब्याज का लालच देता है और 5 महीने में रकम दोगुनी भी कर देता है। इसी लालच में क्षेत्र के तमाम लोग हैं और इस बारे में कुछ भी बोलने से ये लोग बच रहे। बताया ये भी जा रहा है कि शिवा कुछ ही वक्त में 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी का मालिक बन चुका है, लेकिन शिवा ने दसूत्र से बातचीत में इन तमाम बातों को झूठा करार दिया। उसका कहना है कि ना तो वो कोई चिटफंड कंपनी चलाता है और ना ही किसी से पैसे लेकर उनको दोगुना करने का लालच देता है। वो तो सिर्फ अपना पुश्तैनी काम यानी कारपेंटर ही करता है। कोई भी अगर गलत कर रहा है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। अब आपको बताते हैं कि आखिर शिवा की इस हैरतअंगेज रईसी का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल 23 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ के शक्तिनगर निवासी सौरभ अग्रवाल और कंचनपुर के कमल प्रधान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने शिवा साहू और उसके साथियों पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए। शिकायत के बाद पुलिस ने शिवा को बयान के लिए थाने बुलाया। तब बड़ी संख्या में रायकोना गांव के लोग ट्रैक्टर और महंगी गाड़ियों पर सवार होकर थाने का घेराव करने पहुंच गए और शिवा को थाने से छुड़ा कर ले गए। इस पर शिवा ने दसूत्र से बातचीत में कहा कि उसे पुलिस ने थाने बुलाया था, इसलिए वो बयान देने पहुंच गया। बकौल शिवा, जिन लोगों ने शिकायत की थी उन्होंने उसे पैसे नहीं दिए और जिन लोगों ने थाने का घेराव किया उन्हें भी वो बिल्कुल नहीं जानता। अब हैरानी की बात यह भी है कि मामले में अब तक किसी व्यक्ति पर कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ, यानी ना ही शिवा पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला कायम किया और ना ही उसे छुड़ाकर ले जाने वाले लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया। कमाल की बात यह भी है कि शिवा की ये गाड़ियां उसके नाम पर नहीं है बल्कि अलग अलग लोगों के नाम पर है।
सरकार भी इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कह पा रही है। वित्त मंत्री डॉक्टर ओपी चौधरी को जब इस बात की जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि गड़बड़ी सामने आएगी तो कार्रवाई जरूर करेंगे, यानी सरकार के पास भी ज्यादा कुछ कहने को नहीं। इधर शिवा का सोशल मीडिया अकाउंट दिखाता है कि उसने रायकोना से लेकर बागेश्वर धाम, आगरा, मनाली और लद्दाख समेत देश के कई हिस्सों की यात्रा अपने दोस्तों के साथ इन्हीं लग्जरी गाड़ियों में बैठकर तय की है। शिवा अपने लोगों के लिए रॉबिन हुड भी बनता है, किसी बच्चे को साइकिल दिलाता है तो किसी को खाना खिलाता है। शिवा कहता है कि एक बच्चे ने उसे साइकिल के लिए चिट्ठी लिखी थी तो उसने दिला दी, और ऐसे काम में वो अपने दोस्तों की मदद लेता है, उनके साथ चंदा इकट्ठा करके वो इन तमाम कामों को अंजाम देता है। शिवा की गाड़ियों में 999 का कनेक्शन भी है, मसलन उसकी सभी गाड़ियों के नंबर 999 से शुरू होते हैं। इस पूरे मामले में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे एक कारपेंटर अचानक अरबपति बन गया, यानी दाल में कुछ काला तो जरूर है। पुलिस भी कोई ठोस कार्रवाई करने में नाकाम है, मगर हकीकत जो भी हो ये सब जांच का विषय तो है ही। शिवा की कहानी दिखाने के पीछे हमारा मकसद उसकी शान में कसीदे गढ़ना नहीं है, बल्कि दसूत्र लोगों को आगाह करना चाहता है कि थोड़े से लालच में कहीं आप भी अपनी जीवन भर की कमाई ना लुटा बैठे। इसलिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। दसूत्र को किसी की प्रॉपर्टी या लाइफस्टाइल से ना तो कोई मतलब है ना ही कोई दिक्कत। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि सरकार कम से कम ये तो जांच कराए कि कमाई जायज तरीके से की गई है या नहीं, क्योंकि हमें कुछ उदाहरणों से भी सीखना चाहिए। छत्तीसगढ़ के ही भिलाई का रहने वाला 30 साल का सौरभ चंद्राकर भी ऐसी ही आलीशान जिंदगी जीता था, और उसने भी काफी कम समय में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी बना ली थी। दुबई के एक लग्जरी होटल में उसकी शादी का वीडियो वायरल होने के बाद जब मामले की जांच हुई तो पूरा देश दहल गया। पूरे देश को हिला देने वाला महादेव सट्टा ऐप घोटाला सामने आया, और शिवा के मामले में भी चिटफंड कंपनी चलाने की बातें सामने आ रही हैं।